हेरा फेरी फिल्म किसे याद नहीं होगी, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल की क्लासिक कॉमेडी फिल्म में जिसने यकीनन सभी को हंसाया होगा। इस फिल्म ने अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की हिट जोड़ी को कॉमेडी के लिए उतारा था और परेश रावल का बाबूराव वाला किरदार सामने लाया था। इस फिल्म को कुछ टाइम पहले 20 साल पूरे हो चुके हैं। प्रियदर्शन की बेस्ट कॉमेडी फिल्म अभी भी किसी से मैच नहीं होती। इसे क्लासिक ऑल टाइम फेवरेट फिल्म कहा जाता है। इस फिल्म के सभी कलाकार जाने माने थे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म की इकलौतिक चाइल्ड आर्टिस्ट यानी फिल्म के कैरेक्टर देवी प्रसाद की पोती रिंकू अब कितनी बड़ी हो गई है और क्या कर रही हैं। इस फिल्म में हमें कई खास कैरेक्टर्स दिए थे, जैसे बाबूराव, राजू, श्याम, कबीरा, खड़क सिंह और देवी प्रसाद, लेकिन इन सब के साथ थी रिंकू, वो लड़की जिसने देवी प्रसाद की पोती का रोल निभाया था। रिंकू का किरदार निभाया था एन एलिकिस्या एनारा ने। वो छोटी सी क्यूट लड़की जिसे कबीरा ने किडनैप कर लिया था, अब वो बड़ी हो गई है और यकीनन अपने काम में काफ़ी सफल भी हैं। एन ने जब हेरा फेरी फिल्म की थी तब वो सिर्फ 10 साल की थी। वो एक नहीं बल्कि दो बड़ी फिल्मों का हिस्सा रही हैं, पहली तो बॉलीवुड की हेरा फेरी और दूसरी अव्वई शनमुगी जिसकी हिंदी रीमेक है चाची 420। एन ने कमल हसन के साथ कई दूसरी फिल्मों में भी काफ़ी क्यूट किरदार निभाए थे, यकीन नहीं आता ये तस्वीर देख लीजिए। एन ने इसके बाद अपना फिल्मी करियर छोड़ दिया और पढ़ाई में दिल लगा लिया। उन्हें BBA के लिए फ्रांस से स्कॉलरशिप भी मिली और उसके बाद से वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में पिछले कुछ सालों से काम कर रही है। इसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और अपना बिजनेस शुरू करने की सोची। बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी खुद की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ की गई बेस्ट फिल्म हेरा फेरी के बारे में बात करते हुए एन कहती हैं, मुझे सेट पर मिठाइयाँ और लिपस्टिक लॉलीपॉप मिलते थे। मेरी माँ ये सब चीज़ें खरीदती थी ताकि शूट पर जाते टाइम मुझे बिजी रखा जा सके। मुझे याद है कि ये अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी को ऑफर करती थी क्योंकि मैं हर वक्त उनके साथ ही रहती थी, साथ ही बाकी सब भी आसपास ही रहते थे। कमाल की बात यह है कि मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती थी, तो मुझे पता नहीं था कि अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी कौन है। मैं नर्वस रहती थी, हालांकि परेश रावल ने मुझे डांट लगाई थी। एन ने इस घटना के बारे में याद करके बताया, मैं कैमरे के पास चली गई थी, मैं ऐसी नहीं थी, मैंने इससे पहले बहुत से ऐड कर रखे थे तो मैं डिसिप्लिन में रहती थी, लेकिन क्योंकि फिल्म के सेट पर सभी मस्ती मजाक कर रहे थे तो मैं कैमरा के आसपास भागने लगी। तब परेश जी बहुत गुस्सा हो गए, उन्होंने मुझ पर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया। मुझे याद नहीं कि कभी किसी ने सेट पर मुझ पर ऐसे चिल्लाया हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस बात के लिए सीरियस नहीं थे, ये उनका रिएक्शन था बस। एन का अभी कोई भी इरादा नहीं है कि वो एक्टिंग में वापस आए, वो अपनी कंपनी और अपने काम में व्यस्त हैं। उनके इंस्टाग्राम बायो में भी लिखा है कि वो एक्स एक्टर हैं, हालांकि अब वो बड़ी हो गई हैं और यकीनन वो एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती है। अगर वो फिर हेरा फेरी नंबर 3 में आती है तो हमें तो खुशी ही होगी। बहरहाल फ़िलहाल उनके प्लान्स ऐसे नहीं हैं।